देखो जो पिछली क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो सिलेबस है वो तो मैंने आपको समझा दिया है, परंतु आपको हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के नेम्स एंड द नेम्स ऑफ देयर राइटर्स और द पोएट्स वो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को टेक्स्ट बुक्स जो प्रेस्क्राइब्ड आपके पास, दो ही तो किताबें हैं, एक तो जेम्स ऑफ द फिक्शन है और ये दूसरी वाली जो फर्स्ट बुक है वो मेरे हाथ में है, कौन सी, गोल्डन रेज। इसमें जितने भी जो 11 चैप्टर्स आर देयर एंड 4 पोएम्स आर देयर, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सबके जो नेम्स ऑफ द लेसन्स एंड द नेम्स ऑफ देयर राइटर्स और द पोएट्स जो पाठ हैं उनके नाम या जो पाठ के जो लेखक हैं उनके नाम, कविताओं के नाम और कविताओं के कवियों के नाम आपको ठीक से याद हो गए होंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है और ये शुरुआत में आपको कर लेना है, लिख लिख के याद करना है, बोल बोल के याद करना है। ओके, अब बच्चों हम आ रहे हैं इस टेक्स्ट बुक के अंदर, आपका जो पेज नंबर फर्स्ट है उस पर आएंगे आप। हालांकि ये जो चैप्टर दिया आपको द बुक दैट शेव्ड द अर्थ, थोड़ा चैप्टर बड़ा है, और इसके अंत में पेज नंबर 13 पे आप देखेंगे वो कैब है, तो वो कैब में प्रेफिक्स लिखे हुए हैं। प्री का मतलब बच्चों आप जानते हैं पहले, तो प्रेफिक्स तो वो शब्द होते हैं, वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके मीनिंग में आमूलचूल परिवर्तन कर देते हैं। दोज वर्ड्स आर नोन एज प्रेफिक्स, प्रेफिक्सेस इन इंग्लिश, ऐसे शब्दों को आप अंग्रेजी में प्रेफिक्स कहते हैं, हिंदी में आप उनको उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके किसी रूट वर्ड के लास्ट में एंड में जुड़ करके उसके मीनिंग को चेंज करते हैं, उसके मीनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को आप जो है इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं और हिंदी में बच्चों आप उनको क्या कहते हैं, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो ये मुख्य मुख्य हैं और ये एक्चुअली इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको ये आने चाहिए, और ये अगर आपको आएंगे तो ये पाठ अच्छे समझ में आएगा। परंतु फिर भी मैं पहले पाठ ही पढ़ूंगा आपको, फिर आप देखेंगे। तो इसके अंदर बच्चों ग्रामर में देखो टेंसेज के टॉपिक के अंतर्गत दे रखा है, पेज नंबर 16 पे देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद में दे रखा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और उसके बाद में दे रखा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद में दे रखा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, मैं 4 सेंटेंस दूंगा और उसके बाद में चैप्टर शुरू करूंगा। देखो आप पहला सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस, आई हैव प्लेड क्रिकेट। और चौथा सेंटेंस, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखो बच्चों, पहला सेंटेंस आपने देखा है प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि इसमें आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके अंत में एस या ईएस जोड़ा जाता है। जैसे अगर आई के स्थान पर ही होता तो बच्चों आप यहां पर प्ले का प्रयोग नहीं करते, प्लेज का करते। पर आपको जो समझना है वो ये है कि जब मैं इस वाक्य का अनुवाद करूंगा तो बच्चों मैं ऐसे करूंगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, गलत है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, ये भी गलत है। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का अनुवाद कैसे करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म बच्चों कई बार बताया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ देना। जब आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ते हैं तो उस फॉर्म को आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, तथा दैट इज ऑलवेज नॉन एज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। वह क्रिया की हमेशा उसकी सिंगुलर फॉर्म कहलाती है, अर्थात उसका एक वचन रूप कहलाता है। क्लियर है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यही नियम है, उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी
या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ा हुआ होगा और जब आप उसका अनुवाद करोगे तो बच्चों आपको वाक्य के अंत में यही बोलना पड़ेगा, ता है ती है ता हूं ती हूं ते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को वैसे विस्तार से समझाऊंगा आपको, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसका प्रयोग बच्चों आप जनरली करते हो किसी भी हैबिट के लिए या किसी भी रूटीन वर्क के लिए या किसी भी रिपीटेड एक्टिविटी के लिए या किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए या किसी भी प्रोवर्ब यानी कहावत के लिए। इन चीजों के लिए बच्चों आप किसका प्रयोग करते हो? इन चीजों के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हो। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, ये बात समझ में नहीं आती, उबलता है क्योंकि हमेशा उबलता है, इसलिए आपको कहना पड़ेगा प्रेजेंट पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उसका अनुवाद यही करना पड़ेगा। इस वाक्य का अनुवाद बच्चों आपको यही करना पड़ेगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्लियर है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा क्या बताया आपको, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप जानते हो या तो इस होगा या फिर आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और अगर कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग होगा और उसके साथ में आएगी बच्चों वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी जोड़ने को वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अथवा वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें जब आप आई एन जी जोड़ते हैं बच्चों तो आप उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसे कहते हैं क्रिया का चौथा रूप, या उसे कहते हैं आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी उसका नाम है। यहां आपको ये देखना चाहिए कि इज़ एम आर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ा हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, उसका अनुवाद कैसे करोगे, ताती या नहीं बोलोगे, लास्ट में क्या बोलना पड़ेगा, रहा है रही है, इस तरीके से। तो इसका अनुवाद क्या होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट का अनुवाद होगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि जब मैं उनसे कहता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, इसका अनुवाद करो, तो वो कहते हैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, या उन्हें जब हम कहते हैं कि मैं जयपुर जाता हूं का अंग्रेजी अनुवाद करो तो वो अनुवाद करते हैं आई एम गोइंग टू जयपुर। मैं ये समझाना चाहता हूं कि उनकी एक बीमारी है, वो लोग क्या करते हैं कि उनसे चाहे किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करवाओ लेकिन वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ना नहीं भूलते, जबकि ऐसा करना सर्वथा गलत है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है तो उसमें आई एन जी नहीं आएगा, उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन बच्चों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ऐसे आई एस जोड़ा जाएगा। यहाँ प्रश्न ये है कि आई को क्या माना जाए, कई बार कह चुका हूं जी आई और यू को इंग्लिश में प्लूरल मानना चाहिए, अपवाद सिर्फ यह है कि आई के साथ पास्ट टेंस में वर का प्रयोग नहीं होता अपितु वाज का प्रयोग होता है। अगर इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ये नियम सार्वत्रिक है, अगर इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ये रूल यूनिवर्सल है कि आई और यू को इंग्लिश में प्लूरल की कैटेगरी में माना जाएगा। बात समझ में आ गई है, इसलिए बच्चों आई के साथ मैंने प्ले में एस नहीं जोड़ा, आई प्ले क्रिकेट बोला। आगे वाला देखना पड़ेगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब बच्चों ये होगा, पहले बोला आपने मैं क्रिकेट खेलता हूं, फिर बोला आपने मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अब आपको कहना पड़ेगा मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, या यूं भी कह सकते हैं आपकी मैंने क्रिकेट खेला है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या मैंने क्रिकेट खेला है, बात एक ही है, और दोनों का अनुवाद अंग्रेजी में एक ही होगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि वाक्य में अगर हैज आ जाए या हैव आ जाए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, अकेला हैज आएगा तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा। जैसे आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक पालतू कुत्ता रखता हूं, तो बात तो वही आ गई ना। मैं ये समझाना चाहता हूं कि अकेले हैज हैव का प्रयोग हो रहा है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे वाक्य का टेंस तो सदैव प्रेजेंट सिंपल होगा। अकेले इज एम आर का प्रयोग हो रहा है और उसके साथ आई एन जी का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस का टेंस तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो यहां पर बच्चों बी वर्ब है, बी ई बी यानी होना होता है, और बी ई बी वर्ब का रूप है एम, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं समझाना चाहता हूं कि मैं एक टीचर हूं कि अंत में बेशक ता है ती है ता हूं ती हूं नहीं आ रहा है, परंतु ये वाक्य तो प्रेजेंट सिंपल का ही है। बात समझ में आ रही है, इज एम आर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी नहीं आ रही, अकेला इज एम ही आ रहा, इज एम आर ही आ रहा है और उसके साथ में कोई दूसरी फुल वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बच्चों उस वाक्य का टेंस, उस सेंटेंस का टेंस कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसका कौन सा होगा, उसका तो प्रेजेंट सिंपल होगा। और आगे बढ़ते हैं, हैज हैव की बात बताई, हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो उसका अनुवाद कैसे करोगे, कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, अंत में आना चाहिए चुका हूं, चुकी हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, है ना, इस तरीके से आना चाहिए, या कई बार आ है ई है ऐसी आवाज आती है, जैसे मैंने क्रिकेट खेला है। जैसे मैं आपको कहता हूं जी मैंने हमेशा गरीबों की सहायता की है, तो इसका अनुवाद होगा आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, मैंने सदैव गरीबों की सहायता की है, तो ई है आ गया ना, आ है ई है, इस तरीके का भी, या कर चुका हूं। बात समझ में आ रही है,
तो हे जेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट, और हिंदी अनुवाद करोगे तो अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं। और दूसरी बात यह बच्चों, अगर हे जेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या कोई अन्य फुल वर्ब नहीं आ रही है तो उस सेंटेंस का टेंस कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, उस सेंटेंस का टेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा। आगे बढ़ेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। या पहली बात तो यह है बच्चों कि सिंस का मतलब होता है से, कभी कभी सिंस के स्थान पर फोर का प्रयोग भी होता है। बात समझ आ रही है? कभी सिंस आएगा, कभी फोर आएगा, कभी सिंस आएगा, कभी फोर आएगा। सिंस कब आएगा? सिंस तब आएगा जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, समय का कोई निश्चित बिंदु दिया जाएगा तो सिंस आएगा। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अगर समय की अवधि दी गई है तो उसके पहले फोर आएगा, और फोर का मतलब बच्चों के लिए होता होगा, परंतु यहां इसका मतलब के लिए नहीं है। जब मैं कहता हूं कि फोर टू आवर्स तो उसका मतलब दो घंटे के लिए नहीं होता, उसका अर्थ होता है दो घंटे से। जैसे मैं कहता हूं दे हैव बीन मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास फॉर टू आवर्स, मैंने कहा दे हैव बीन मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास फॉर टू आवर्स का मतलब ये नहीं हुआ कि वो दो घंटे के लिए कक्षा में शोर मचा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा बच्चों वो दो घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं, या फोर का मतलब भी से होगा। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि पहली बात तो ये जो टेंस है बच्चों इसका नाम क्या दिया हमने? इसका नाम प्रेजेंट सिंपल, इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका नाम दिया प्रेजेंट परफेक्ट, और इसका नाम दे रहे हैं बच्चों हम कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज द नेम ऑफ द टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें हैज बीन या हैव बीन के साथ क्या आता है? हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इसमें हैज बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब उसमें आईएनजी जुड़ता है, और केवल इतना ही नहीं होता, आगे बच्चों सिंस या फोर का प्रयोग होता है तथा उसके पश्चात टाइम आता है। आगे सिंस या फोर का प्रयोग होता है तथा उसमें टाइम आता है। जब इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो देखो क्या अनुवाद होगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग का मतलब मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो बच्चों इसका आपने जब अनुवाद किया तो अंत में क्या बोला आपने? रहा हूं। लेकिन यह एक चीज ध्यान रखो बच्चों, आप केवल आपने रहा हूं नहीं बोला, आपने बोला से रहा हूं। अब देखो आप क्या अनुवाद हुआ, मैं सुबह से बीच में आ गया क्रिकेट खेल, और यहां जाएगा रहा हूं, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। यानी जब आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो रहा हूं रही हूं तो आएगा, लेकिन उससे पहले से भी बोलेगा। एक बात। दूसरी बात, जिन वाक्यों में सिंस या फोर के साथ समय अवधि दी जाती है और वो वाक्य अगर आपको दे दिया जाए आई एम प्लेइंग, क्या दे दिया बच्चों यहां पर? आई एम प्लेइंग, तो क्या करोगे आप? चूंकि आगे सिंस या फोर दिया हुआ है और उसके बाद समय या अवधि दी हुई है, इसलिए यहां बच्चों एम का प्रयोग नहीं होगा। मैं समझाना चाहता हूं कि जिन वाक्यों में सिंस या फोर का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में टाइम दिया हुआ है, ऐसे वाक्यों को अगर कंटिन्यूस में दिया हुआ तो गलत है। ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस को काट के उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना चाहिए। मेरा मतलब है कि इज एम आर के स्थान पर हैज बीन या हैव बीन वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। दिस वॉज ओनली ए जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जो प्रेजेंट टेंस और उसके जो चारों भाग है बच्चों, उसके बारे में मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, सामान्य जानकारी आपको दी है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कृपया आपने अपनी किताबें खोलिया, पहला पाठ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया, एक ऐसी किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। अब समस्या यह है कि प्रश्न यह है कि बताइए एक किताब पृथ्वी को कैसे बचा सकती है? एक किताब पृथ्वी को इस प्रकार से बचा सकती है कि बच्चों आप देखते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के अंदर आप जानते हैं कि केवल अकेली पृथ्वी थोड़ी है। इस पृथ्वी के जैसे आप जानते हो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। इट इज ओनली ए प्लैनेट, द अर्थ इज ओनली ए प्लैनेट। पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। ऑन अर्थ बोला बच्चों, में ध्यान रखना इस बात का, ऑन द अर्थ नहीं होता, ऑन अर्थ होता है, ठीक है? तो मैंने बोला कि लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज ए यूनिक प्लैनेट, इसीलिए पृथ्वी को कहा जाता अनोखा ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि चांद के ऊपर से जाके जब पृथ्वी की तस्वीरें खींची गई तो पृथ्वी बिल्कुल नीली नीली दिखाई देती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन एज ए ब्लू प्लैनेट, इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, इसे यूनिक प्लैनेट कहते हैं। यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? ये अनोखा ग्रह है। अनोखा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जीवन संभव है। लेकिन इसके जैसे ग्रह और भी हैं, आप जानते हैं बच्चों, पढ़ते हैं आप ज्योग्राफी के अंदर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। डू यू नो, आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम या हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम जुपिटर है। मुद्दे की एक बात यह भी है
कि जुपिटर के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। मैं समझाना चाहता हूं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं अदर देन अर्थ, पृथ्वी को छोड़कर के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से किसी के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है, बात नंबर एक। और बात नंबर दो है बच्चों कि पृथ्वी के पहले सदैव द का प्रयोग होता है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जब नहीं होता है, जैसे मैं कहता हूं कि वी लिव ऑन द अर्थ, ये गलत है। शुद्ध वाक्य बनेगा वी लिव ऑन अर्थ। मैं समझाना चाहता हूं ऑन अर्थ को याद रखो, ऑन द अर्थ नहीं होता, ऑन अर्थ होता है। ये फिक्स फ्रेज है, ये इडियोमेटिक है, ये जैसा है वैसा है ना, इसको आपको इसी रूप में याद करना पड़ेगा, ऑन अर्थ होता है, ऑन द अर्थ नहीं होता। बात समझ में आ गई है? ओके, यहां देखो बच्चों, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। देखो बच्चों मैं समझाता हूं आपको, पाठ का नाम क्या है, द बुक, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। अब देखो बच्चों ये बुक है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, ये नाउन है। किताब कौन सी, दैट, दैट का मतलब आप जानते हो बच्चों, मैंने कहा था कि हु विच और दैट का प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है तो इसका मतलब जो या जो की या जिसने होता है। तो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, आप जानते हैं बुक के बाद क्या आ रहा है बच्चों, जिसने पृथ्वी को बचाया, एक दो तीन चार, इसके बाद एक शब्द समूह आ रहा है, और ये एक ऐसा शब्द समूह है जिसमें एक वर्ब है, इसलिए बच्चों इसको फ्रेज नहीं अपितु इसको क्या कहा जाएगा, इसे क्लोज माना जाएगा। क्या माना जाएगा इसे, इसे क्लोज माना जाएगा। और बच्चों आप जानते हो अगर किसी नाउन के बाद किसी फ्रेज, देखो अगर किसी नाउन के बाद किसी क्लोज या फ्रेज का प्रयोग करके उस नाउन को निश्चित कर दिया गया है तो उसके पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। द वुमन इन रेड सारी, इन रेड सारी एक फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए द का प्रयोग हो रहा है। द वुमन इन रेड सारी इज द मैनेजर ऑफ द टीम, यानी वह वुमन जो रेड सारी पहने हुए है वह पूरे टीम की मैनेजर है। द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई स्टूडेंट, वह लड़की जिसकी आंखें ब्लू है वह मेरी स्टूडेंट है। विद ब्लू आईज में आप देख रहे हैं कहीं कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसको फ्रेज माना जाएगा। आप समझ में आ रही है? इन द सेम वे मैं आपको कहता हूं द मैन हु मेट मी यस्टरडे वाज ए डॉक्टर। अब देखो बच्चों मैन क्या, ये क्या बोला मैंने, हु मेट मी यस्टरडे, इसमें एक वर्ब आ गई मेट। Who met me yesterday क्या है, एक क्लोज है जिसके कारण वो मैन निश्चित हो गया है, और यही कारण है कि मैन के पहले मैंने द का प्रयोग किया है। तो समझ में आ रहा है? पहला नियम बच्चों ये है, अगर किसी नाउन के बाद में कोई फ्रेज या क्लोज जुड़ा हुआ है या किसी नाउन के बाद कोई क्लोज या फ्रेज जोड़ करके अगर उसे निश्चित कर दिया गया है तो उस नाउन के पहले आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का मतलब वह बुक जिसने पृथ्वी को बचाया, या अर्थ का जो अर्थ है बच्चों उसका पहला अक्षर मैंने कैपिटल में लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अर्थ क्या है बच्चों, एक प्लेनेट का नाम है, और जो नेमिंग वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर बच्चों सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे उसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में किया जाए, चाहे उसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाए, चाहे उसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया जाए। तो इस तरीके से बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले लेंगे हम 2 मिनट का ब्रेक।
लिखना लो, मैंने समझा दिया आपको। आप देखो सबसे नीचे, इसके नीचे लिखा हुआ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब तो बच्चों चरित्र होता है, लेकिन इसमें एस जोड़ दिया है तो यह इसका मतलब चरित्र नहीं, इसका मतलब पात्र। कैरेक्टर यानी चरित्र होता है, और आप जानते हो बच्चों चरित्र जो है वह तो एक भाववाचक संज्ञा है। कैरेक्टर जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और उसमें एस नहीं जुड़ता, उसका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन कैरेक्टर के दो मीनिंग होते हैं। कैरेक्टर जो है उसका मीनिंग एक तो चरित्र होता है, जैसे फला व्यक्ति का कैरेक्टर सही नहीं है अपन ऐसे कहते हैं, और जो दूसरा शब्द है बच्चों वो कैरेक्टर्स का मतलब है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस फिल्म, इन दिस मूवी, इस मूवी के अंदर कितने जो कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर का मतलब कितने पात्र हैं, तो यहां इसका मतलब पात्र है, कैरेक्टर्स हो गया। तो पहला कैरेक्टर है बच्चों देखो, इसमें पहला कैरेक्टर है हिस्टोरियन, इतिहासकार, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। दूसरा पात्र है बच्चों महान तथा महाबली, थिंक टैंक नाम है किसी का, थिंक माने सोचना और टैंक का मतलब जानते हो पेट्रोल का टैंक होता है। तो मेरा मतलब बच्चों यहां वो टैंक से मतलब नहीं है, किसी का नाम है थिंक टैंक। थिंक टैंक एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो जिसका दिमाग बहुत तेज हो, जो किसी भी जो योजना है उसका जो सूत्रधार होता है, अर्थात जो पर्दे के पीछे होता है, बिहाइंड द कर्टेन, और सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो उसी के दिमाग से संचालित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को थिंक टैंक कहते हैं। बहरहाल यहां किसी का नाम रखा है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक का मतलब बताया आपको महान तथा माइटी, यानी क्या होता है माइटी राइट, एक कहावत है इंग्लिश में, माइटी राइट का मतलब होता है ताकती सही है, माने जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइटी का मतलब बच्चों कई बार आप कहते हो ऑल माइटी गॉड, ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी गॉड का मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो माइटी का मतलब क्या हो गया, शक्तिमान हो गया, महाबली हो गया। तो महान तथा महाबली थिंक टैंक। आइए है बच्चों अप्रेंटाइस नूडल। नूडल तो किसी का नाम है, और अप्रेंटाइस शब्द को अंडरलाइन करो, इसका मीनिंग होता है बच्चों प्रशिक्षु। अप्रेंटाइस का मतलब होता है प्रशिक्षु, जो ट्रेंड नहीं होता। देखो अप्रेंटाइस का मतलब बताया आपको हिंदी में हमने प्रशिक्षु, या देखो अप्रेंटाइस को कह सकते हैं आप नोविस। नोविस का मतलब नव शिखवा, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों नो सी खू आ, नो शिखवा। नो शिखवा का मतलब जो नया नया सीखता है सीख रहा है, और इसका उल्टा होता है बच्चों वेटेरन। वेटेरन एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत ही पारंगत है, बहुत अनुभवी है, ये नौशिखवा है, ये नाड़ी है, ये खिलाड़ी है। खिलाड़ी का मतलब किसी काम को करने में बहुत ज्यादा दक्ष। दीज आर द एंटोनिम्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों विलोम शब्द है बच्चों, ठीक है। तो एक है अप्रेंटाइस नूडल यानी प्रशिक्षु नूडल है, नीचे दिया है कैप्टन ओमेगा, एक पात्र का नाम है कप्तान ओमेगा। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट आयोटा। ये स्पेलिंग बच्चों दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, इसका उच्चारण होगा लेफ्टिनेंट, क्या होगा लेफ्टिनेंट, लेकिन लिखा कैसे है ल्यूटेनेंट, आपको इसे याद करना पड़ेगा। देखो LIEU LIEUTENANT, ये स्पेलिंग याद करो बच्चों। आप इसे बोलते हैं लेफ्टिनेंट, क्या बोलते हैं इसे लेफ्टिनेंट। ये क्या है, जो मिलिट्री है आर्मी है उसमें एक पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट कहते हैं। एक होता है बच्चों कोलोनल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कर्नल, ये देखो COLONEL कोलोनल लिखा मैंने, लेकिन आप इसका उच्चारण क्या करते हो हिंदी में, क्या बोलते हो इसे, कर्नल बोलते हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कोलोनल जेम्सटॉड, आप जानते हैं राजस्थान के इतिहास का पिता किसे माना जाता है, कर्नल जेम्सटॉड को, ठीक है। कोलोनल जेम्सटॉड इज द फादर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इतिहास का पिता मानते हैं हम कर्नल जेम्सटॉड को। तो कोलोनल एक शब्द है, इन द सेम वे ऊपर जो दूसरा शब्द लिखा मैंने क्या लिखा बच्चों लेफ्टिनेंट। ये स्प्रिंग आपको अच्छे से याद करनी है, लिख करके याद करनी है। आज जब आप बड़े हो जाएंगे और बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे जिनमें भी बच्चों ये जो इसकी स्पेलिंग या इसकी जो वर्तनी है वो पूछी जाती है, अभी से याद कर लेना चाहिए, है ना। तो ये हो गया बच्चों, आज दिया हमने लेफ्टिनेंट। और देखो बच्चों ये एल और आई के बीच में आपकी पुस्तक में स्पेस दिया हुआ है, किताब नई नई छपी है इसलिए ये थोड़ी गड़बड़ी है, दोनों को आप क्या करेंगे स्पेस को समाप्त करना है। मेरा मतलब यह है कि एल और आई के बीच में जो स्पेस है वो नहीं लगना चाहिए, ये एल है पहला अक्षर और ये पास आने चाहिए, ठीक है। लेफ्टिनेंट आयोटा। और आगे देखेंगे बच्चों ये क्या लिखा है, ये लिखा है सर्जेंट ऊप। सर्जेंट ऊप जो है बच्चों, तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे सार्जेंट, क्या बोलेंगे इसको, सार्जेंट ऊप है एक पात्र, और एक है बच्चों ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब होता है मंच के पीछे से आती आवाज, ऑफ स्टेज। अब देखो बच्चों हिंदी में एक शब्द बताता हूं आपको, एक शब्द आपने जरूर सुना होगा नेपत्ते,
ये नेपथ्य जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? नेपथ्य हिंदी का शब्द है और इसका मतलब होता है रंगमंच का पिछला भाग, द बैक पार्ट, द बैक पार्ट ऑफ द पोडियम, पोडियम या स्टेज, जो स्टेज होता है रंगमंच है उसके पिछले भाग को नेपथ्य कहते हैं। और नेपथ्य से आती हुई आवाज को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अंग्रेजी में ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब नेपथ्य से आती हुई ध्वनि, नेपथ्य से आती हुई ध्वनि नाटकों में प्रयुक्त शब्द है, नेपथ्य ही कहते हैं। आइए बढ़ाएं अपनी बात। अब देखो बच्चों, सीन फर्स्ट, दृश्य फर्स्ट है। पर इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं आपको। एक्चुअली क्या है कि ये जो द बुक दैट शेव्ड द अर्थ में क्या होता है बच्चों, कि जो एक तो हमारी पृथ्वी है, देखो आप, ये तो जैसे मान लो हमारी अर्थ है, क्या है? अर्थ। इधर एक मार्स है, मार्स को क्या बोलोगे बच्चों हिंदी में आप? ये ग्रह का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ ए प्लैनेट। इसे हिंदी में आप कहेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो होता है बच्चों, तो मंगल, हम हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं उनके हिसाब से हम मंगल को मानते हैं, भूमि पुत्र मानते हैं, ठीक है। और मार्स को जो यूनानी लोग हैं वो मार्स को मानते हैं युद्ध का देवता। मार्स क्या माना जाता है उनकी दृष्टि में? वो लोग कहते हैं मार्स इज द गॉड ऑफ वार। मार्स जो है वो युद्ध का देवता है। हम लोग कहते हैं कि जो कार्तिकेय भगवान है, भगवान कार्तिकेय, वो युद्ध के देवता हैं हमारे हमारे शास्त्रों के अनुसार। और मंगल इसका अनुवाद है हिंदी में, और मंगल को हम मानते हैं भूमि पुत्र। वो बातें अपनी जगह हैं। आप इतना समझें कि मंगल ग्रह के जो लोग हैं उन्होंने एक बार पृथ्वी के ऊपर अटैक करने की साजिश की। मंगल ग्रह के लोगों ने एक बार पृथ्वी के ऊपर अटैक करने की साजिश की, और मंगल ग्रह का जो कर्ता धरता है उसका नाम है बच्चों थिंक टैंक। तो थिंक टैंक पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने के लिए PROBE प्रोब, देखो PROBE प्रोब फर्स्ट, ये क्या है? प्रोब फर्स्ट जो है बच्चों ये कुछ नहीं है, दिस इज द नेम ऑफ एन एरोप्लेन। ये उनका एक जो यान है, एक जो वायुयान है, उसका नाम है प्रोब फर्स्ट। तो अपने प्रोब फर्स्ट को तथा उसके अंदर बैठा करके कुछ क्रूज को, CREW क्रू, क्रू का मतलब होता है बच्चों जो यान के कर्मचारी होते हैं, जो हवाई जहाज में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उन्हें आप क्रू कहते हैं। तो वह प्रोब फर्स्ट नाम का जो अपना यान है उसमें कुछ क्रू को भेजता है पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग द अर्थ अंडर ही जनरस रूलरशिप, क्योंकि वह पृथ्वी को अपने उदार शासन की अंतर्गत लाना चाहता है, वह पृथ्वी के ऊपर हमला करना चाहता है। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो लोग पृथ्वी के ऊपर आए तो बच्चों उनको एक किताब हाथ लग गई, और उस किताब का नाम क्या था? मदर गूस, GOOSE। ये किताब है, देखो मदर गूस इज द नेम ऑफ ए बुक। इसको इसका हिंदी अनुवाद होगा माता, और गूस का मतलब होता है बच्चों हंस, हंसिनी, हंसिनी, तो माता हंसिनी इसका अनुवाद है। इस नाम की एक किताब उनके हाथ लग गई, और इस किताब के अंदर लिखी हुई थी बच्चों कुछ नर्सरी राइम्स। क्या लिखी हुई थी? नर्सरी राइम्स। देखो ये शब्द है, आप तो जानते हो राइम्स का मतलब क्या होता है, RHYMES। ये शब्द बड़ा निराला है, ये शब्द बच्चों किस अर्थ में निराला है इधर देखेंगे आप। ये शब्द बच्चों इस अर्थ में निराला है क्योंकि आपने तो ऐसे बहुत कम शब्द देखे होंगे। देखो R एक कॉन्सोनेंट, H भी एक कॉन्सोनेंट, Y भी एक कॉन्सोनेंट, और M भी एक कॉन्सोनेंट। क्या आपने ऐसा कोई दूसरा शब्द देखा है जिसमें एक साथ चार कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग हो रहा हो? बताइए आप मुझे। इस सेंस के अंदर ये शब्द बेशक निराला है। एक दूसरा शब्द बताता हूं, MARTYR, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों शहीद, और अंग्रेजी में आप कहते हैं इसको मार्टियर। तो यहां आपने देखा T कॉन्सोनेंट, Y भी एक कॉन्सोनेंट, R भी एक कॉन्सोनेंट, लेकिन तीन ही हुए। और इस अर्थ के अंदर आपने देखा बच्चों राइम्स जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर चार कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग एक साथ हुआ है, जनरली ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे बच्चों कि एक कॉन्सोनेंट आता तो उसके बाद वोवेल आ जाता है, और एक नहीं तो दो के बाद जरूर आ जाता है, पर यहाँ चार चार कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं। स्पेलिंग देखो आप, जो राइम्स है बच्चों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? शिशु गीत। क्या बोलते हैं इसको? शिशु गीत। तो उनको मदर गूस नाम की जो पुस्तक मिलती है बच्चों उसमें कई जो नर्सरी राइम्स अर्थात कई शिशु गीत लिखे हुए हैं। तो उन शिशु गीतों को बच्चों जब वो पढ़ते हैं तो वे उसको क्या करते हैं? मिस इंटरप्रीट करते हैं। देखो शब्द क्या लिखा मैंने, मिस इंटर प्रीट। मिस इंटरप्रीट का मतलब उसकी गलत व्याख्या करते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं। और बच्चों उसके अंदर एक दो तीन, और जब तीसरी कविता पढ़ते हैं तो तीसरी वाली कविता में एक लाइन आती है, हम्प्टी डम्प्टी हेड ए ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी हेड ए ग्रेट फॉल। तब थिंक टैंक ये सोचता है
कि हम्पटी डम्पटी से उसकी बिल्कुल शक्ल सूरत मिलती हुई रहती है, और इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि हम्पटी डम्पटी जो है जोर से गिरे, तो वह इसका मीनिंग ये लगाता है कि पृथ्वीवासी जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर हमसे कई गुना ज्यादा डेवलप हो गए हैं, और वो इसका निष्कर्ष उसका उसका मीनिंग ये लगाता है कि वो ये वो जो है हम्पटी डम्पटी के माध्यम से, उस संकेत शब्द के माध्यम से वो मेरे पतन की ओर संकेत कर रहे हैं, और वो जल्दी ही मार्स के ऊपर आ जाएंगे अर्थात मंगल ग्रह के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हमें मार डालेंगे। वो डर जाता है। नूडल से कहता है मेरे लिए कि स्पेस कैप्सूल तैयार करो, स्पेस कैप्सूल को ओढ़ करके पहन करके वह अपनी प्रजा के साथ विधि सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के साथ बच्चों एक दूसरी जगह सेंटोरी, ठीक है, एक दूसरी जगह क्या है अल्फा सेंटोरी, देखो क्या जगह का नाम बताया मैंने, ए एल पी एच ए सी ई एन टी ए यू आर आई, अल्फा सेंटोरी नाम की जगह पर डरकर भाग जाता है और पृथ्वी के ऊपर हमला करने का अपना विचार त्याग देता है। ही कैंसल्स, ही एडजर्न्स हिज आइडिया ऑफ इन्वेडिंग अर्थ, वह पृथ्वी के ऊपर इन्वेड करने का या पृथ्वी के ऊपर अटैक करने का जो उसका विचार था उस विचार को त्याग देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों उस किताब के कारण होता है, मदरगूस नाम की किताब अगर उनके हाथ न लगी होती और उन्होंने मदरगूस नाम की किताब को सैंडविच न समझा होता, और अगर उसने मदरगूस नाम की किताब की जो उसमें जो राइम स्कीम से उनको मिशन ट्रीट न किया होता, गलत न समझा होता, तो वो निश्चित रूप से क्या करते, वो निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी के ऊपर हमला करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, वो किताब उनके हाथ लग गई, राइम स्कीम जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने उसको मिस इंटरप्रीट किया और उसको गलत समझा, और डर के मारे क्या हुआ कि वह स्वयं अपना स्थान छोड़कर ये भाग गया। तो इस तरीके से ये बताइए कि पृथ्वी के ऊपर एक गजब का हमला होने वाला था और उस हमले से पृथ्वी को किसने बचाया, इट वॉज दैट बुक, ये और कोई नहीं वो किताब थी, दैट सेव्ड द अर्थ फ्रॉम एन इन्वेजन, अर्थात एक इन्वेजन या एक आक्रमण या एक हमले से हमारी पृथ्वी को अगर किसने बचाया, किसी ने बचाया तो वो कौन था, वो मदर गूस नाम की किताब थी। क्लियर है बच्चों? इस तरीके की कहानी है। देखो सीन फर्स्ट में दिया, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो तथा पता लगाओ, फाइंड यानी पाना होता है, फाइंड में जब आउट जोड़ देते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता लगाना होता है। उसी तरीके से बच्चों एक शब्द समझाता हूँ आपको, एफ ए डबल एल फाल यानी जानते हो गिरना होता है, सभी जानते हो एफ ए डबल एल फाल यानी गिरना होता है, लिखते चलना मैं काम की बातें बताता रहता हूँ। तो ये देखिए फाल यानी गिरना होता है बच्चों, लेकिन जब फाल में आउट जोड़ दोगे तो फाल आउट का मतलब हो जाएगा झगड़ना। क्या अर्थ हो जाएगा इसका, इसका अर्थ झगड़ना हो जाएगा बच्चों, अंग्रेजी में कहेंगे इसको टू क्वारल। देखो टू क्वारल, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना। जैसे मैं कहता हूं सैम एंड सोफिया हैव फॉलन आउट विद ईच अदर, सैम और सोफिया दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़े हैं, कुट्टी हो गए हैं, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया। फॉल आउट यानी क्या होता है, झगड़ना होता है। देखेंगे कुछ, रीड एंड फाइंड आउट का मतलब पढ़ो और पता लगाओ, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, ये बताइए कि 20th सेंचुरी या 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता था। पहला प्रश्न, सवाल एक है, हम वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहला सवाल यह है कि व्हाई वाज द 20th सेंचुरी, 20th को अंडरलाइन करो बच्चों, और उसके पहले द आर्टिकल आ रहा है। आपको याद आया एक नियम बताया था, ऑर्डिनल शब्द जो होते हैं बच्चों, ओ आर डी आई एन ए एल, क्या होते हैं ऑर्डिनल, आप जानते हैं, एक तो होता है बच्चों 1 2 3 4, ये गिनती है, इन्हें कार्डिनल कहते हैं। एक होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 19th 17th 20th, व्हाट आर दीज, दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं बच्चों। हिंदी में कहते हैं इनको क्रम सूचक संख्याएं, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, इनको क्रम सूचक संख्याएं कहते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं उनकी दो तीन खास बातें हैं। पहली खास बात तो यह है कि ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको सदैव आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरी बात बच्चों एक ये भी है, ऑर्डिनल नंबर को दो तरीके से लिखते हैं, देखना आप, जैसे आपको लिखना है सेकंड, तो ये सेकंड लिखना बिल्कुल गलत होता है, ये बिल्कुल है गलत है, शुद्ध ये है बच्चों, सेकंड को यूं लिखा जा सकता है। मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपने रोमन में लिखा है जैसे ये थर्ड है, तो कई लोग इसके ऊपर आरडी लगा देते हैं जो इस पे नहीं लगना चाहिए, लेकिन तीन के ऊपर आरडी लगाया जा सकता है, समझ में आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी रोमन में लिखा है तो वो पहले ही ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए उसके ऊपर बच्चों टीएच नहीं लगाना चाहिए। जैसे एट्थ लिखना आपको, तो एट्थ में क्या करोगे, यों करके यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो ये गलत हो गया है, लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपने बिल्कुल शुद्ध लिखा है, काम की बात है, ठीक है। ये लोग जो है कई बार बड़े हो जाते हैं तब तक ये गलती करते रहते हैं, मैं आपकी गलती अभी से दूर कर देता हूं। और ये भी समझे आप कि ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग अगर सेंटेंस में हुआ तो उसके पहले दाएगा आ रहा है। व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड, ये पेशी वाज का वाक्य है कि ये बताइए कि 20th सेंचुरी को क्यों पुकारा जाता था,
क्या द ईरा ऑफ द बुक, द ईरा ऑफ द बुक, ईरा ईरा का मतलब होता है बच्चों एज, ए जी ई एज, एज का मतलब जानते हो, एज यानी आप सभी जानते हो एज का मतलब उम्र होता है, आयु होता है, इसके अलावा बच्चों एज का मतलब युग भी होता है। देखो आप ये शब्द है ए जी ई एज, एज को कह सकते हैं आप ईरा, हिंदी में क्या कह सकते हैं युग। तो पुस्तक जो है बच्चों 20वीं शताब्दी को पुस्तक का युग क्यों कहा जाता था, 20वीं शताब्दी को पुस्तक का युग क्यों कहा जाता था, एक बात ये भी है बच्चों, एक नियम और याद करो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ऐसी बनावट होती है बच्चों तो जनरली क्या होता है, इस ऑफ के कारण यहां पर द का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि, जैसे मैं आपको कहता हूं कि द ईरा ऑफ द बुक, द ईरा ऑफ द बुक, तो बच्चों आपने ये देखा कि यहाँ जो बुक है, जो जो ईरा शब्द है, उस ईरा के पहले आपने द क्यों लगाया, आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके ठीक बाद में ऑफ आ रहा है। जब बच्चों मैं आपको कहता हूं कि केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं कहता हूं कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है, तो बाद में ऑफ आ रहा है इसलिए मैंने द लगाया है। मैं समझाना चाहता हूं कि अगर यहां ऑफ आ रहा तो यहां द जरूर आएगा, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जब नहीं आएगा, वो परिस्थिति कौन सी है देखना, जब मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो द आ रहा है, दो सेंटेंस से बच्चों तुलना करना, मैं बताता हूं, ये देखो नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, द तो आ गया है, और बच्चों ये द क्यों आया, इस ऑफ के कारण आया। और आगे देखो, मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का एक नागरिक हूं, यहां ऑफ आ रहा है परंतु द नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए आप मुझे। देखो बच्चों पहला सेंटेंस है नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, इसमें आप देख रहे हैं ऑफ के कारण द आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी केवल ऐसा एक ही व्यक्ति है। और दूसरा वाक्य बच्चों आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यह मैं द लगा करके अपने आप को पर्टिकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जैसे और भी हैं, भारत का मैं कोई अकेला नागरिक नहीं हूं, भारत के मेरे जैसे और भी नागरिक हैं, इसलिए यहां पर सिटीजन के बाद में ऑफ तो आ रहा है, बावजूद उसके सिटीजन के पहले हमने द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की बात बच्चों हमारी यही समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में।